तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं जो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इससे भी आ जाता है, वो क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम। यानी कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने मतलब अपने कितने नियम दिए थे, जो गति विषयक थे उन्होंने गति विषयक कितने नियम दिए थे। तो इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्हीं के सर पर सेब गिरा था। तो इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने तीन नियम दिए थे, न्यूटन के गति विषय के नियम जो थे वो कितने नियम थे, तीन नियम थे। तो तीनों नियम को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है वो होता है जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में ये कहा गया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है वो आरोपित न कर दिया जाए, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कि मतलब कि जड़त्व का नियम क्या कहा गया था, तो जड़त्व के नियम में यही कहा गया था कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल जो है वो आरोपित न कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें पहला नियम जो एग्जाम्पल जो था इसका, एग्जाम्पल ये आपसे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है कि बस में बैठा हुआ आदमी, ठीक है, बस में बैठा हुआ आदमी जो है वो ब्रेक लगने पर पीछे की तरफ क्यों होता है, या फिर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ क्यों आ जाता है, तो वो होता है जड़त्व के नियम पर। तो कभी कभी ऑप्शन में जड़त्व आघूर्ण देता है, तो जड़त्व आघूर्ण नहीं, आपको ऑप्शन टिक करना है जड़त्व का नियम, या फिर जड़त्व विश्राम जड़त्व कह सकता है तो भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्राम जड़त्व, या फिर याद रखिएगा, ऐसे आते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, विश्राम जड़त्व, ठीक है, विश्राम जड़त्व कहते हैं इसे, इसी को जड़त्व के नियम को। तो पहला नियम यही था कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित कर दिया जाए। एग्जाम्पल बस में बैठा हुआ आदमी या फिर घोड़े पर बैठा हुआ आदमी, ठीक है ना, घोड़े पर बैठा हुआ आदमी अचानक से जब घोड़ा चलता है तो वह पीछे की तरफ आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो जड़त्व के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या था, उन्होंने दूसरा नियम ये था उनका कि जो फोर्स होता है यानी कि जो बल होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना। तो दूसरा नियम यही था उनको कि जो बल होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एफ बराबर में क्या होता है, एम ए, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है ये। तो दूसरा नियम उनका यही था कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा क्या है, तो ये क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है, ठीक है। तीसरा नियम जो है उनका वो था क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया बल में ये था कि जैसे कि हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाएंगे वो वस्तु भी अपोजिट से हमें उतना ही फोर्स लगाएगी, ये था न्यूटन का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या था कि अगर हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है जिस पर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट में भी हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, माइनस का 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स हमें ऊपर से अपोजिट मिलेगा, जितना बल लगाएंगे उतना बल हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार पर हम गेंद मारते तो वो गेंद लड़ करके सीधे वापस आती है हमारे पास, क्यों आती है, क्योंकि जितना फोर्स हम लगाते हैं दीवार के पास गेंद से तो वापस से दीवार से जो है वो वापस से उतना फोर्स हमें मिलता है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया बल। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें पूछा जाता है ये कि जो नेट फोर्स जो है वो कितना है। मान लीजिए ये कोई हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक या फिर पिंड कह लीजिए, जिस पे 20 न्यूटन का फोर्स है इसके पास, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स है और इस पर हम लोग जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये पिंड जो है वो यहाँ से हटेगा कि नहीं हटेगा। देखिए कोई पिंड है जो 20 न्यूटन का है और इस पर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पिंड हटेगा कि नहीं हटेगा, तो ये पिंड जो है वो नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये 20 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर हम लगा कितना रहे हैं, 10 न्यूटन का,
तो ये जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हटेगा। अगर मान लीजिए वहीं पर ये 20 न्यूटन का फोर्स है, बस 20 न्यूटन वाला कोई ब्लॉक है, इस पर हम लोग यहाँ पर 40 न्यूटन का जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर ढकेल देगा। तो नेट रिजल्टेंट जो है वो फोर्स कितना आएगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना आएगा, 20 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि हम जितना बल लगाएंगे वापस हमें उतना बल मिलेगा, है ना। यानी कि हमने 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो 20 न्यूटन का भी लगाएगा एक तरह समझिए, तो 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस साइड में लगेगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो किधर जाएगा, उधर जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इजी सा है, तो हमने इसमें जो है वो तीनों नियम जो है वो कंप्लीट करिए न्यूटन का। पहला तो जड़त्व का नियम, और दूसरा जो है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बताएंगे वीडियो कैसी लगी, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।